बरसात के मौसम में जगह जगह जमा गंदे पानी में पनपे डेंगू के मच्छर अब लोगों को डंक मारने लगे हैं। इसकी चपेट में आकर प्रतिदिन मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले वर्ष जहां जिले में डेंगू के इस समय मात्र 5 केस थे, वहीं अब की बार इस समय डेंगू के 22 केस सामने आ रहे हैं। डेंगू का प्रकोप चरम पर है। जिले में इन दिनों लगभग सभी अस्पतालों में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द आदि के मरीज की भरमार है। इस बार बारिश तो हर वर्ष की अपेक्षा कम हुई, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त ना होने से जगह जगह बरसात का पानी पनपने से मच्छरों ने अपना लार्वा छोड़ दिया है। जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पिछले साल इस समय डेंगू के मात्र 5 केस सामने थे, लेकिन इस बार इस समय 22 केस सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा, इलाज के लिए अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम है। लोगों को सावधान रहने व डेंगू के लक्षण नजर आने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है। डेंगू के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में अभी तक डेंगू के 22 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में सिर्फ 8 केस पॉजिटिव आए थे, और मलेरिया के मरबज 3 केस आ चुके हैं। तो क्योंकि जो डेंगू का जो सीज़न है, यही मेन सीज़न है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक होता है, तो इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग भी करवाई है उपायुक्त मोदी की अध्यक्षता में। उसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया था, तो हम इसके बारे में जोर जोर से अपने प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो मेरी सभी आम जन से अपील है कि भी अपने घरों के आसपास या कहीं भी पानी जमा ना होने दें। अगर आपके पास कोई खड्डा पानी का है तो उसको भरवा दें, और अगर ना पॉसिबल हो तो उसमें काला तेल या मिट्टी का तेल वगैरह डलवा दें, ताकि मच्छर के लार्वा न पनपे। और उसके बाद हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, ब्रीडर चक्र हैं, और वो जितने भी MPW मेल हैं, वो भी घर घर जाके हर डेली की डेली अपने घर में जैसे कूलर, पानी की टंकियाँ, होदी, गमले, टायर, इनको चेक कर रहे हैं भी मच्छर के लार्वा तो नहीं है। और कहीं अगर पाया जाता है तो हर विभाग में, किसी सरकारी विभाग हो या किसी घर हो, हम नोटिस भी दे रहे हैं जहाँ जहाँ लार्वा पाया जाता है। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर पानी की निकासी नहीं है, अगर पानी खड़ा रहेगा तो मच्छर ज़्यादा बन गए। उसके लिए हमने जो अर्बन है दादरी, हमारा जो शहरी क्षेत्र है, उसमें हमने टीमें लगाई हुई है, तो उसमें रेगुलर हमारे विजिट करती हैं, और जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हुआ हुआ है और काला तेल डाला हुआ है, और उसके बाद उसमें टेमीपोस और ये सारी चीज़ें जितनी भी सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी वो करती रहती है। हमने एहतियात के तौर पर अपने सिविल अस्पताल सरखी दादरी में 11 बेड का डेंगू वार्ड बना हुआ है, महिला पुरुष का अलग अलग है, और उसमें मच्छरदानियाँ लगाई हुई हैं, उसे प्रूफिंग की हुई है। और उसके बाद हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जहाँ जहाँ भी घरों में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, अगर कहीं भी लार्वा मिलता है तो हमारे पास नोटिस भी देते हैं उनको, और अगर नोटिस से बार बार नहीं माने, अगर दो बार देने से, तो हम उनका चालान भी करेंगे, आवश्यक कार्य भी करेंगे, ताकि जो डेंगू की बीमारी है इससे बचा जा सके और ये ज़्यादा ना फैले।